हेलो फ्रेंड्स, मैंने अमेज़ॉन से कुछ किचन प्रोडक्ट्स मंगवाए थे जिसका इस्तेमाल हम डेली किचन में करते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, यह स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और यह प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे, इसका इस्तेमाल करने के बाद सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दूँगी, जो भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे सभी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला प्रोडक्ट हमने लिया है ये आइसिंग ट्रे, ये सिलिकॉन की है। इसमें आप आइस क्यूब्स के साथ साथ टमाटर, अदरक, लहसुन और चटनी की प्योरी बनाकर भी रख सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ये सिलिकॉन की है, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं और ये गिरने से टूटेगी भी नहीं। बात करें इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी एकदम बेस्ट है और इसकी क्वांटिटी, इसमें एक गिलास के करीब पानी आ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें एक गिलास पानी आ गया है। नॉर्मल हम जो आइस ट्रे लेते हैं उसमें पानी डालते हैं तो फ्रिज में ले जाते समय ही थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लेकर जा रहे हैं तो इसका पानी नीचे नहीं गिरता है। इसकी लिड एयर टाइट तो नहीं है, बस ये ट्रे के साथ हल्की सी स्टिक हो जाती है और बोले तो प्रॉपर लॉक नहीं होती। आप देख सकते हैं इसको हम थोड़ा सा हिला रहे हैं तो पानी नहीं गिर रहा, लेकिन हम इसको ज़्यादा टेढ़ा करेंगे तो इसका पानी गिर जाएगा। तो चलिए इसे अब हम फ्रीज़र में रख देते हैं सेट होने के लिए। बात करें प्राइस की तो सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। कुछ घंटों के बाद आप देख सकते हैं ये आइस क्यूब्स तैयार हो गए हैं। हम इसे बस हल्का सा प्रेस कर रहे हैं तो कितने इजीली ये बाहर आ रहे हैं। ऐसे में जो प्लास्टिक की नॉर्मल ट्रेज होती हैं उसमें से क्यूब्स निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पहले थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है बैक साइड में, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, बस इसको हल्का सा प्रेस कर रहे हैं तो क्यूब्स निकल जाते हैं आसानी से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने मंगवाया है, यह पीतल के बर्तन कली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीतल के बर्तन के अंदर से जब कली निकल जाए तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कली करने के बाद ही पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें हमें ये कॉटन का पैड मिला है, ये फायर प्रूफ होता है और इसी के साथ ये हमें कली और ये पाउडर मिला है। बर्तनों को कली करने के लिए हमें जितना कली की ज़रूरत है उतना ही इस पाउडर की ज़रूरत है, बिना इस पाउडर के हम बर्तनों को कली नहीं कर सकते। अगर आप इसका प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका प्रॉपर वीडियो बना कर दूँगी और आपको बताऊँगी क्या हम घर पर बर्तनों को कली कर सकते हैं या नहीं। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट खोल लेते हैं। ये हमने मंगवाए हैं फ्रूट, वेजिटेबल और बाकी चीज़ों को फ्रिज में स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं। ये टोटल 6 हैं। तो चलिए आपको मैं सारे ओपन करके बताती हूँ। मैंने सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू चेक करके ही लिए हैं। रिव्यू में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स थे। कमेंट्स में बता रहे थे कि इसके एक ढक्कन मिस है और कईयों का एक बॉक्स मिस है, तो कुछ ने इसकी क्वालिटी के बारे में बेस्ट बोला, तो मैंने रिस्क लेकर इसे मंगवा लिया। ये हैं सारे बॉक्सेस और ये है लिड। एक लिड बॉक्स के ऊपर ही लगी है, लेकिन ये लिड थोड़ी सी मुझे इसमें क्रैक नज़र आ रहा है। आपको मैं ये क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें आपको क्रैक नज़र आ रहा होगा। मैं इसके लिड खोल कर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें हल्का सा क्रैक है। आप इसे 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं या एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी वाइज ये ठीक ठाक है। ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक इसकी क्वालिटी है। और इसकी क्वांटिटी, ये पूरे 6 बॉक्सेस हैं और इसके साथ जो लिड्स हैं वो भी पूरी 6 हैं और इसके अंदर का जो मैट है वो भी पूरा 6 ही है। सभी चीज़ें पूरी हैं, बस एक ढक्कन में ही हल्का सा क्रैक आया है, बाकी सब ही ठीक है, इसीलिए मैं इसको रिटर्न नहीं कराऊंगी। और जो इसका साइज़ है वह मैं आपको साथ साथ स्क्रीन में ऊपर मेंशन करती जाऊंगी। और बात करें इसका मुझे क्या फ़ायदा मिला है,
यह यूज़फुल है या नहीं आपको मैं बताती हूँ। पहले हम एक बॉक्स लेंगे और उसके अंदर हम टिश्यू पेपर रख देंगे। यह ज़रूर रखें, इससे आपकी वेजिटेबल ज़्यादा देर तक चलेंगी। यह हमने स्प्रिंग अनियन लिया है, इसको हम ऐसे अगर फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसको हम इस बॉक्स में रख देंगे और इसके बाद इसका ढक्कन लगा देंगे तो फ्रिज में स्मेल भी नहीं आएगी। बात करें ये कितने दिन तक ख़राब नहीं होती है, कितने दिन तक इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, वह मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके पास कम हो तो आप इसमें मसाले के डिब्बे भी रख सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो इसमें और भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह। मैं इसमें टूटी फ्रूटी रख रही हूँ, ये थोड़ी सी चोको चिप्स हैं वो भी रख रही हूँ। मुझे कुकिंग का शौक़ है और मेरा एक कुकिंग का चैनल भी है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। तो यह इस तरह से भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें फ्रूट भी रख सकते हैं। तो इसका पूरा ढक्कन बंद नहीं हो रहा है क्योंकि ऑरेंज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसमें से ऑरेंज बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इसमें दो छोटे साइज़ के ऑरेंज रख देते हैं। ये इसमें आ गए हैं और इसका ढक्कन भी प्रॉपर बंद हो गया है। इसमें आप छोटे साइज़ के फ्रूट्स रख सकते हैं, जैसे ग्रेप्स, चेरी या लीची। बड़े साइज़ के आप इसमें फ्रूट नहीं रख सकते हैं। और फोर्थ बॉक्स में हम सबसे पहले टिश्यू पेपर रख देंगे और ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट वगैरह में थोड़ी सी सब्जियां यूज़ करते हैं और बाकी की बच जाती हैं, तो वो इसमें हम डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है धनिया, गाजर और ये शिमला मिर्च। इसको भी हम ढक्कन लगा देंगे। और लास्ट बॉक्स में हम डाल रहे हैं मेथी। इससे पहले हम इसके नीचे हम टिश्यू पेपर बिछा लेंगे। मेथी को मैं इसलिए स्टोर करके रखती हूँ, इससे आलू के परांठे, गोभी के परांठे या मेथी परांठे या फिर किसी सब्ज़ी में थोड़ा सा तड़का लगाने के ये काम आता है। मैं इसका कस्तूरी मेथी की जगह फ्रेश मेथी का इस्तेमाल करती हूँ। मेथी रखने से पहले और बाद में टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा, इससे मेथी ज़्यादा दिन तक चलेगी। और ये सब्ज़ियाँ कितने दिन तक ख़राब नहीं होंगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फ्रिज में इस तरह से चीज़ें लगाने से देखने में भी अच्छी लगती हैं और इनको हैंडल करना भी इजी रहता है। चार दिन पहले हमने वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखा था, उसमें से कुछ वेजिटेबल्स का हमने इस्तेमाल कर लिया है लेकिन कुछ बची हैं, वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसी हैं। चार दिन पहले हमने जो मेथी स्टोर करके रखी थी वो आप देख सकते हैं अभी भी ग्रीन है। आपको मैं इसके नीचे से भी दिखाती हूँ निकाल कर, ये देखिए ये भी अभी ग्रीन ही लग रही है। और छः दिन पहले हमने स्प्रिंग ऑनियन को रखा था, यह भी अभी हरा है और एकदम सही है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके नीचे और ऊपर टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए और आपकी वेजिटेबल्स ज़्यादा दिन तक ठीक रहें। मैंने इसके अंदर फलियाँ भी रखी थी, फलियाँ दो दिन से ज़्यादा नहीं रहती, उसमें से कुछ फलियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट खोल लेते हैं। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, अच्छे से पैक किया हुआ है। हमने जो प्रोडक्ट मंगवाया है इसका प्राइस इस डिब्बे के ऊपर 910 रुपीस लिखा है, लेकिन हमें ये काफ़ी लेस प्राइस में मिला है। यह है वेजिटेबल चॉपर, सब्जियों को बारीक काटने में काफ़ी मदद मिलती है इससे। इसमें जो ये 3 ब्लेड्स हैं ये काफ़ी शार्प है और ये एंटी स्लिप भी है। बात करें क्वालिटी की तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी रस्सी को खींचने में ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा, इजीली हम इसे खींच पा रहे हैं। इसी के साथ इसमें 30 दिन की वारंटी भी मिली है। तो चलिए अब हम इसमें वेजिटेबल्स चॉप करके भी आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं जिसे हमने रफली काट लिया है। इसका अब हम ढक्कन लगा देंगे और रस्सी को खींचेंगे इस तरह से। और ये देखिए, सच में बोल रही हूँ, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लग रहा। और 2 से 3 बार में ये देखिए मोटा मोटा प्याज हमने काट लिया है। अगर आपको और बारीक चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे।
ये देखिए, अगर आपको इससे भी बारीक चाहिए तो और भी ज़्यादा बारीक हो सकता है। ये देखिए, एकदम बारीक हमने प्याज को काट लिया है। इसी तरह से आप वेजिटेबल्स को भी काट सकते हो। अब मैं इसमें आपको टमाटर भी कट करके दिखाती हूँ। टमाटर को भी रफली कट करके इसमें डाल दें। और बस ये देखिए, हमारे ये टमाटर भी अच्छे से चॉप हो गए हैं। इसमें अब मैं एक हरी मिर्च को चॉप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मिर्ची अभी अच्छे से चॉप नहीं है, इसे अब थोड़ा सा और करते हैं। ये देखिए, मिर्ची अभी चॉप नहीं हुई है, इसे थोड़ा सा और करके देखते हैं। ये देखिए, इसमें एक मिर्ची तो अच्छे से चॉप नहीं हुई है, लेकिन अगर आप दो तीन मिर्ची डालेंगे तो वह अच्छे से चॉप हो जाएगी। अगर आप इसमें लहसुन अदरक भी चॉप करना चाहते हैं, वह भी बारीक हो जाएगा, लेकिन लहसुन की कलियां आपको थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ेंगी। कम से कम 10-12 कलियां डालेंगे तो वह अच्छे से बारीक हो जाएंगी। ये थे सारे प्रोडक्ट्स और उनका रिव्यू। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। अगर आप इनमें से कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या आप मार्केट से भी ले सकते हैं। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।